हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एसएस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 1। अब देखिए, नंबर सिस्टम पार्ट 1 कौन कौन से स्टैंडर्ड में काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का स्टडी तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको सेवन से लेकर के 12 तक का नंबर सिस्टम काम आएगा। और जिंदगी भर तो बोलिए तो जिंदगी भर हर एक कंपटीशन में नंबर सिस्टम काम करने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, नंबर सिस्टम पार्ट 1 का स्टडी करेंगे और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, वो है हमारा नेचुरल नंबर। अब हमें पढ़ना होगा नेचुरल नंबर क्या होता। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको केवल एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 बनेगा, उसमें ऑल टू ऑल डिफिनेशन आपको लिख के दे दूंगा। तो चलते हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात मैं आपको समझा दे रहे हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या द नंबर ऑफ स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड लास्ट अनडिफाइंड इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफिनाइट नंबर तक जाती है, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी बोला जाए तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इनफिनिटिव नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो देखिए, पहले कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस, यानी कि उपदेश देने से अच्छा है कि हम उसे उदाहरण दे दें। तो देखिए, मान लीजिए कि कुछ चलिए के बैग है, थैला क्या है, बैग है, बैग। ये मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारा है ये बैग है, वो बैग मान लीजिएगा बैग है। अब बैग में कुछ मैं एक बॉल के रूप में किसी 5-6 बॉल ले लेता हूँ और उस पर नंबर लिख के डालता हूँ और देखता हूँ उससे क्या होता है। तो देखिए, बैग में मैं 3-4 नंबर ले ले 3-4 बॉल डाल देता हूँ। चलिए 3 बॉल डाला, 4 बॉल डाल दिया। अब इसमें जो मैं नंबर लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, बॉल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो दिखेगा नंबर आपको। तो देखिए, ये है 3 ही बॉल डाले लेकिन दिखना चाहिए, तो इसमें नंबर डाल रहा हूँ 1, 2, 3 और ऐसा करते करते डॉट डॉट इनफिनिटी नंबर या इनफिनाइट नंबर, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो देखिए, 1 से लेकर इनफिनाइट नंबर, यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, 1 से लेकर इनफिनाइट, यानी कहीं तक भी चले जाइए, 101, 102, 103, 1001, 1002, 2 लाख 1, 2 लाख 2, इस प्रकार से कहीं भी जाएंगे, तो ऐसे नंबर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब हमें इससे ही मिला है कि नेचुरल नंबर का मतलब है 1 to start 1 और 1 up to इनफिनाइट नंबर। यानी कि बोला जाए 1 से स्टार्ट हो और इनफिनाइट तक जाए, तो इस नंबर को हम लोग जान गए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब चलते हैं दूसरी बात जो करने वाले हैं हम, वो है फ्रेंड्स होल नंबर। होल नंबर क्या होता, होल नंबर का हिंदी होता है फ्रेंड्स पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, हमने ये बैग लिया और बैग में 1 से लेकर के इनफिनाइट नंबर तक डाल दिया, इसमें केवल प्लस इनफिनाइट से प्लस
प्लस वन से प्लस इंफिनाइट तक होगा, इसमें माइनस नहीं हो सकता क्योंकि काउंटिंग माइनस में नहीं होता। तो प्लस प्लस वन से लेके प्लस इंफिनिटी तक के नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, क्या एक बॉल और डाल दिया मैंने, पर इस बॉल को डाला, इस बॉल पे जीरो लिखा है, क्या लिखा है जीरो, तो जीरो लिख दिया तो ये क्या बन गया। तो देखिए जीरो हमने पढ़ा था भी नेचुरल नंबर, वो वन से स्टार्ट होती थी और वन से स्टार्ट होकर के इंफिनिट तक जाती थी, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, यानी कि ये बैग में जीरो भी डाल दिया तो अभी नेचुरल नंबर नहीं रह गया फ्रेंड्स। तो क्या बन गया फ्रेंड्स, वो बन गया होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता, तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अप टू इनफिनिट नंबर, यानी बोला जाए इन्फिनिटिव नंबर बोला जाए तो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटिव नंबर तक जाए तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, होल नंबर। तो पता चल गया वन से लेकर इन्फिनिटी तक लिया वो नेचुरल नंबर था और जैसे ही उसमें जीरो इंक्लूड कर दिया तो बन गया होल नंबर। अब करना है फ्रेंड्स हर मैटर जो हमारा आता है, चलिए इसमें कुछ और बॉल डाल देते हैं। अभी तक जितने भी बॉल देख रहे हैं वो सब प्लस बॉल है यानी प्लस वाले हैं। अब देखिए कुछ और बॉल इसमें डाल देते हैं और वो बॉल कैसा डालते हैं देख लीजिएगा। वो बॉल डालना है, उस बॉल पे लिख के डाल रहा हूँ माइनस वन माइनस टू, ये मतलब बोला जाए तो इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो पता चल गया हमें अब तो ना तो नेचुरल नंबर रहा ना तो होल नंबर रहा, इसमें और इंक्लूड कर लिए मिक्स कर दिए तो क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का ग्रुप बन गया है, इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर का हिंदी क्या होता फ्रेंड्स, तो इंटीजर्स नंबर का हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखिए पूर्णांक संख्या जो स्टार्ट होता है वो आपका माइनस इंफिनिटी से माइनस वन से माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस अप टू माइनस इंफिनिटी अप टू, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि माइनस से स्टार्ट होती है और वो माइनस प्लस तक जाती है, लास्ट प्लस नंबर तक जाती है, वो इंफिनिटी होती है इंटीजर्स नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स इतना तक तो समझ में आ गया होगा, अब जो बात करने वाले हैं इसमें तो वो इसमें बात करने वाले हैं इसके साथ में कोई और नंबर इंक्लूड कर दें तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो इसमें होता है फ्रेंड्स अगर इसके साथ में माइनस के साथ में इंक्लूड कर दे कोई फ्रैक्शन वाली नंबर, फ्रैक्शन का फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए कोई और बॉक्स बना लिया और इसके साथ कोई नंबर लिख लिया 1/2, 3/4, 6/4, इस प्रकार का फ्रैक्शन इंक्लूड कर लिया तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसका हिंदी होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आप देखिए परिमेय संख्या कहां से कहां तक होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या का जो एरिया है वो देख लीजिए इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में इंक्लूडिंग यानी इसमें और जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, इंक्लूडिंग नेगेटिव, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, यानी जिसके साथ फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर लिए तो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल
इरेशनल नंबर का हिंदी क्या होता? तो होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या आता है फ्रेंड्स? तो अपरिमेय संख्या में आ गया आपको रूट टू, रूट सेवन, वैसा नंबर जो किसी का स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या पाई हो गया, पाई भी अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए, इसमें इरेशनल को भी इंक्लूड कर ले तो ध्यान दीजिए, इसमें नंबर इंक्लूड कर ले रूट सेवन या पाई, ये सब इंक्लूड कर लिया तो ये हमारा हो गया आपका, इसमें इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो हम लोग इरेशनल नंबर को अलग से याद रखेंगे, वैसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब इसके साथ में कुछ डेसिमल फॉर्म भी अरेंज करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि कुछ और बोल रहा है और इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखा 4.2, 3.4, 6.8, 9.2, इस प्रकार के बोर्ड पे लिखा हुआ है, यानी बोला जाए तो इसमें डेसिमल भी लिखा है। तो बोलिए, केवल अगर प्लस वन से लेकर के इन्फिनिटी तक रहता तो नेचुरल होता, अगर उसमें जीरो इंक्लूड हुआ तो आपका हो गया होल नंबर, अगर उसमें माइनस भी इंक्लूड हो गया तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर हो गया तो हो गया हमारा इंटीजर, और उसमें अगर फ्रैक्शन इंक्लूड कर लिए तो हमारा हो गया रेशनल नंबर, और यदि उसमें डेसिमल इंक्लूड कर लिए तब इस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी कि बोला जाए तो हिंदी क्या होता फ्रेंड्स? तो रियल नंबर का हिंदी होता है फ्रेंड्स वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या में क्या होता है? तो देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है ये माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तो होता ही है, साथ साथ में इसमें इंक्लूड क्या हो गया? फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेसिमल यानी बोला जाए तो ये भी फॉर्म इंक्लूड हो गया, इसलिए हम लोग बोले इसको रियल नंबर। अब जान लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछ के कि रेशनल नंबर और रियल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, रेशनल नंबर में ओनली इंक्लूड होता है फ्रैक्शन, और रियल नंबर में फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, यानी फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों फॉर्म इंक्लूड होंगे तो रियल नंबर, ओनली फ्रैक्शन इंक्लूड होंगे डेसिमल नहीं तो होगा रेशनल नंबर, और जिसमें जिसमें ना तो फ्रैक्शन का फॉर्म मिलेगा और ना ही नॉट फ्रैक्शन और ना ही तो नॉट आपका डेसिमल फॉर्म मिलेगा, ये दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं रहेगा, केवल माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक रहेगा, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं इसके, आप तो बॉक्स को देख लिए, बॉक्स में एक बार और समझ लीजिए, आपको समझाएंगे टेबलर फॉर्म में। तो देखिए, अब इससे क्या समझते हैं हम लोग, समझ चुके हैं क्या समझ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें पता चला कि जैसे ही वो बॉक्स में नंबर डाले थे, हम लोग क्या बॉक्स में नंबर डाले थे? वन से लेकर, यानी प्लस वन से लेकर, यानी प्लस वन से लेकर के नंबर जो डाले थे इनफिनिटी नंबर तक डाले थे, अप टू इनफिनिटी, यानी कि प्लस वन से लेकर के अप टू इनफिनिटी, यानी कहीं तक भी जाएगा, लेकिन नॉट इंक्लूड माइनस, माइनस इंक्लूड उसमें नहीं करना है, तो उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या होगा? जीरो से लेकर, यानी जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो से स्टार्ट लेकर के अप टू इनफिनिटी तक जाएगा, प्लस इनफिनिटी तक जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग होल नंबर। यानी कहा जाए जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के पहले अगर जीरो लगा दें तो हो जाएगा होल नंबर। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता फ्रेंड्स? माइनस इनफिनिटिव, माइनस इनफिनिटिव, इसको इनफिनिटिव बोलते हैं, तो माइनस इनफिनिटिव से लेकर अप टू माइनस इनफिनिटिव अप टू प्लस इनफिनिटी,
but not include, not including, not including fraction, fraction and decimal form, decimal form. यानी कहा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यानी इसमें माइनस भी होगा और प्लस भी होगा लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा और साथ साथ में याद रखिए नॉट इंक्लूडिंग यानी उसमें ना तो फ्रैक्शन का फॉर्म मिलेगा ना तो डेसिमल का फॉर्म मिलेगा तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब देखिए ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर है इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का नंबर है लेकिन इनके साथ में अब तो इनके साथ में फ्रैक्शन इंक्लूड हो गया, क्या इंक्लूड हुआ फ्रैक्शन, तो इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। अब देखना है फ्रेंड्स एक इरेशनल नंबर क्या है, वो ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जिसका कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो क्या होता है पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता है जैसे कि पाई भी हो गया तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक होते हैं लेकिन इसमें इंक्लूड क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडिंग होते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म एंड डेसिमल के फॉर्म दोनों फॉर्म इंक्लूड हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। तो देखिए अब आपसे कोई पूछ सकता है इंटीजर और रेशनल में क्या फर्क होता है, तो इंटीजर में होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बट नॉट इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म यानी उसमें ना तो फ्रैक्शन होगा और ना तो डेसिमल फॉर्म होगा तो होगा इंटीजर, लेकिन रेशनल नंबर में इंक्लूडिंग फ्रैक्शन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेकिन उसमें इंक्लूडिंग फ्रैक्शन तो हो जाएगा रेशनल नंबर। आप बोले रेशनल नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए रेशनल नंबर जो होता है उसमें ओनली इंक्लूडिंग फ्रैक्शन लेकिन रियल नंबर में इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों फॉर्म बोथ फॉर्म, तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करके दिखाते हैं, तो देखिएगा टेबुलर फॉर्म में कैसे हम अरेंज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे तो सबसे पहले नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर है, नंबरों का खेल है नंबर। अब नंबर को दो भाग में बांटा गया, कितने भाग में डिवाइड किया गया फ्रेंड्स, दो भाग में। फर्स्ट जो हो गया वो हो गया फ्रेंड्स हमारा रियल नंबर, रियल नंबर, और जो सेकंड हो गया वो हमारा हो गया अनरियल नंबर जिसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी नंबर क्या होता फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों को इमेजनरी नंबर 9th में पढ़ना नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं वो ऐसा नंबर जो अंडर रूट में रखकर माइनस में हो जिसका कुछ आंसर नहीं आ सकता, जैसा कि माइनस अंडर रूट 16 इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर, जिस यानी वैसी नंबर जिसको हम लोग नहीं ले सकते वो होता है इमेजनरी नंबर। अब चलते हैं रियल नंबर क्या होता, तो देख लीजिए रियल नंबर में बहुत सारे ग्रुप इंक्लूड हो गए हैं, यानी बोला जाए तो माइनस इनफिनिटी से लेकर के प्लस इनफिनिटी तक के नंबर रहते हैं और साथ साथ में इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर का कोई कैलकुलेशन नहीं, अब रियल नंबर को कितने भाग में डिवाइड किया गया, अगर रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया वो भाग क्या है हमारा, फर्स्ट जो है रेशनल नंबर एंड सेकंड जो है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, तो रेशनल नंबर में क्या क्या इंक्लूड हुआ, देख लीजिए रेशनल नंबर में माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक के नंबर होते हैं और इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शन, उसमें फ्रैक्शन भी आते हैं, लेकिन इसमें जो होता है इरेशनल नंबर जैसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर ना हो वो होता है नॉन इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर कैसे बना, तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
थोड़ा, तो रेशनल नंबर बनाते हैं हम लोग, तो रेशनल नंबर को इक्वल्स में डिवाइड किया गया इंटीजर एंड फ्रैक्शन। रेशनल नंबर को किए तो हमारा आ गया इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन दो फॉर्म, यानी कि बोला जाए तो हमारा रेशनल नंबर को यहाँ पे नहीं दिखा है फ्रेंड्स, इसके चलते हैं ऊपर की ओर दिखा देते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा कि नंबर है, नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसे हम नहीं ले सकते, और रियल नंबर इसमें माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक, और साथ साथ में इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म इंक्लूड होंगे। अब देखिए इसमें रेशनल नंबर ए रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में क्या होता, इसमें रेशनल में माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक और इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, और इरेशनल नंबर जी नॉन परफेक्ट नंबर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रेशनल नंबर को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। तो देखिए रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर अब देखते हैं रेशनल नंबर से, तो रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर एंड दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन देखिए रेशनल को वही छोड़ दीजिए, अब हमें क्या करना है रेशनल से फ्रैक्शन को ऐसे छोड़ दीजिए। तो रेशनल कैसे बना, तो रेशनल में एक आ गया इंटीजर फॉर्म, क्या आ गया इंटीजर्स, इंटीजर्स, और दूसरा जो हमारा हो गया फ्रेंड्स इंटीजर के साथ साथ में हमारा आया है वो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये आपका इंटीजर के साथ में आया है आपका, फ्रैक्शन नहीं है फ्रेंड सॉरी, आपको इंटीजर के साथ 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 में आपका आ गया है ए। रेशनल नंबर एंड यहाँ पे कोई दिक्कत आया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से कोई दिक्कत आया है तो एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेंड्स। करना क्या है फ्रेंड्स, हमने पहले लिखा था क्या रियल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अब देखिए इमेजिनरी नंबर को लेना नहीं है हमें, अब इसमें क्या करना है रियल नंबर। तो रियल नंबर एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, और दूसरा जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखना है कि रेशनल नंबर पे ही छोड़ दीजिए, अब रेशनल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में, वो हमारा होता है ए। फर्स्ट है जो इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स, एंड दूसरा जो हो गया हमारा फॉर्म वो हो गया हमारा इंटीजर एंड फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर रेशनल बना, रेशनल और इरेशनल से बनकर रियल बना। तो ध्यान दीजिएगा अब इंटीजर कैसे बना, तो इंटीजर देखिए बना है हमारा आपका इंटीजर, फ्रैक्शन को ही पे छोड़ दीजिए, और इंटीजर जो बना है नेगेटिव एंड होल नंबर के ग्रुप से, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर के ग्रुप से, होल नंबर इस प्रकार से बना है फ्रेंड्स। यानी नेगेटिव और होल नंबर को मिक्स किया जाए तो इनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब करना क्या है फ्रेंड्स, हमें अब होल नंबर, तो होल नंबर कैसे बना, तो होल यही नेगेटिव के ही छोड़ दिए, होल नंबर बना है ए जीरो, जीरो और नेचुरल नंबर से, जीरो और नेचुरल नंबर से। तो पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि जीरो एंड नेचुरल नंबर के ग्रुप को बोलते हैं होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर ले जीरो तो होल नंबर होगा। अब चलते हैं नेचुरल नंबर को ग्रुप में कैसे डिवाइड किया, नेचुरल नंबर को पांच ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान दीजिए एक बार फ्रेंड्स, आपको नीचे से ध्यान देना है, अगर जीरो और नेचुरल नंबर को साथ में ग्रुप बनाया जाए तो होल नंबर होगा, और होल नंबर और नेगेटिव नंबर को इंक्लूड किया जाए तो इंटीजर बनेगा, इंटीजर और फ्रैक्शन को इंक्लूड किया जाए तो रेशनल नंबर बनेगा, रेशनल और इरेशनल को इंक्लूड किया जाए तो रियल नंबर बनेगा, और रियल नंबर उसके बाद रियल नंबर से बस उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, आपको चलना है। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको
सभी का डिफाइन लिखवा दिया हूँ, सभी का डिफाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं नेचुरल नंबर के बारे में समझ लेते हैं, नेचुरल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए अब हम नेचुरल नंबर को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है प्राइम नंबर, और सेकंड जो है हमारा वो हमारा है इवन नंबर। थर्ड जो है हमारा ये है हमारा ओड नंबर। और फोर्थ जो है हमारा कंपोजिट नंबर। उसके बाद है हमारा लास्ट स्टेप जो लास्ट है वो परफेक्ट नंबर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता, तो अभाज्य संख्या। इवन नंबर का हिंदी होता है सम संख्या। ओड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। उसके बाद है परफेक्ट का नंबर का हिंदी होता है वर्ग संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग संख्या तो नया नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए प्राइम नंबर का मतलब क्या होता, तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल वन एंड सेल्फ डिजिट से होते हैं। इन विच नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड सेल्फ डिजिट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वैसी संख्या जो वन और सेल्फ डिजिट से कटती है तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। एज फॉर एग्जांपल जैसे आपका 2, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड इवन प्राइम नंबर 2। तो देखिए 2 का फैक्टर क्या होता, 1 से डिविजिबल है एंड 2 से यानी सेल्फ डिजिट से। 3 को देखिए 1 और 3 से, उसके बाद 7 देखिए 1 और 7 से, 5 भी देख सकते हैं ETC सो है जॉन, यानी इस प्रकार से और हो सकता है। सम संख्या वैसी संख्या इन विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी वैसी संख्या जो जो से पूरी तरह से कट जाए वो होता है इवन नंबर। जैसे आपका 824 है, 304 है, 96 है, ये देखिए इसमें 2 से डिविजिबल दिखिएगा तो पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इवन नंबर, यानी 2 का टेबल से कटना चाहिए। अब देखिए हमारा जो है ओड नंबर, ओड नंबर वैसी संख्या इन विच नंबर इज नॉट एक्जेक्टली डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर लिख सकते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये हमारा हो गया ओड नंबर। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता फ्रेंड्स, तो इन विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ डिजिट एंड विच अदर डिजिट डिविजिबल। यानी कहा जाए वैसी संख्या जो 1 से तो कटती है, खुद से कटती है और बीच में किसी और भी संख्या से कटती है तो होता है कंपोजिट नंबर। एज 16, देखिए 16 कौन कौन से नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, यानी जिसका बोला जो फैक्टर 2 से ज्यादा होगा वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। अब देखिए हमारा परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर वैसा नंबर होता है जो कि उसका, ध्यान दीजिएगा, उसके नंबर को उसके फैक्टर को हटा करके बाकी नंबर को ऐड करने पे वही नंबर प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए 6 लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, 6 को मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर है, स्क्वायर नहीं परफेक्ट नंबर। कैसे परफेक्ट नंबर है, तो देखिए इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा एंड 6 से डिविजिबल होगा, सही बात फ्रेंड्स। अब देखिए इसे क्या करना है, जिससे हम कर रहे हैं, जिसके नंबर का कर रहे हैं उसको हमें लेना नहीं है, इसको हटा दीजिए और बाकी जो फैक्टर बच गया उसको जोड़ दिया, अगर याद आता है तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 6, यानी वही नंबर आ गया वापस, तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर यानी वर्ग संख्या। तो फ्रेंड्स
हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतने समय देने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आज नंबर सिस्टम। अगर आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सके और उससे एंजॉय कर सके, आप नॉलेज को बढ़ा सके, प्रोग्रेस कर सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।